देश के किसान अगर जिंदा रहेंगे ना तभी ये पूरी दुनिया जिंदा है। अगर ये तो सरकार के ऊपर फैसला है या किसान भाइयों पर फैसला है, हम फंस रहे हैं इनके चक्कर में, हम परेशान हैं। चावल का रेट 100 रुपये होना चाहिए तब जाकर किसानों को कुछ मिलेगा, नहीं तो किसानों को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे क्या विचार है, किसानों का मुद्दा है अपना, किसान झेले, सरकार जो करती है अच्छे के लिए करती है। ठीक, हमें मोदी से कुछ नहीं, LLG नहीं है ना कांग्रेस से ना उससे, खाली गरीब आदमियों जो रोजगार काम धंधे नुकसान हो रहा है उसका हर्जाना कौन रोकता है। तरीका सही नहीं है, लेकिन नहीं तरीका जो उनकी मांगे वो तो सही है, लेकिन जो बात है कि भाई वो परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, वो गलत है। अगर किसी को परेशानी होती है तो किसान लोग बेचारे परेशान है, बच्चे उनके रोड पर लेकर बैठे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, उनके ऊपर पानी बरसाया जा रहा है, पब्लिक को परेशान कराया जा रहा है। किसान पैदा नहीं करेगा तो बेचारा खाए, पब्लिक खाएगी कहाँ से। अंबानी अडानी को जो प्रॉफिट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो खत्म करें। हमारी सरकार बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही, अपनी राजनीति पर ध्यान दे रही है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज किसानों को धरना करते करते लगभग 12 दिन बीत चुके हैं, तो उन 12 दिनों के बाद किसानों ने आज यानी कि मंगलवार के दिन भारत बंद करने की अपील की थी। तो अपील करने के बाद जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बताया है कि 11 से 3 बजे तक भारत बंद रहेगा, तो उसमें उससे पहले हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कुछ समर्थन है भारत बंद को लेके, उन्हें कितनी जानकारी है या फिर वो किसानों को कितना समर्थन करते हैं। तो आपका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या विचार है? विचार ये है कि अगर गाड़ी चलाएं हम, भारत बंद को कोई ऐलान नहीं है। अच्छा, आप समर्थन नहीं करते मतलब? नहीं, आप गाड़ी चलाएंगे? गाड़ी चलाएंगे, समर्थन करते हैं, बंद होना चाहिए सब कुछ। किसानों का पूरा समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करते हैं किसानों के साथ। आपको क्या लगता है कि जो ये एक दिन का उन्होंने भारत बंद करने का ऐलान किया है, ये कहाँ तक मतलब ठीक निर्णय, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा केंद्र पर? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर किसान रोड पर आ रहा है तो इतनी ठंड में पड़ा, कुछ ना कुछ उनको सुविधा मिलनी चाहिए जो उनका हल हो, आगे काम बने उनके, ना उनको परेशानी हो, आगे उनके लिए राहत मिले उनको, जो आगे प्रदर्शन ना करें। किसान केंद्र ने उनकी मांग पूरी करती है, कोई बिल नहीं पूरी करती तो उनके लिए कोई कार्रवाई की। आप क्या करते हैं? मैं जी रेडी लगाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप रेडी लगाते हैं, आप सामान बेचते हैं, तो आपके क्या विचार है भारत बंद को? जी समर्थन करते हैं हम किसान को। समर्थन करते हैं आप, तो आप रेडी हटा लेंगे क्या? जी मैंने हटा रखी है। अच्छा, आपने हटा दिया? आज मैंने लगाई नहीं, आज मैं देखने आ तो इधर सारे में खाली पड़ा था, किसी ने नहीं लगाई आज। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर कुछ जो रेड़ी वाले हैं उनका कहना है कि हम पूरा समर्थन करते हैं, उन्होंने रेड़ियाँ नहीं लगाई हैं, यहाँ पर जो सामान है वो नहीं बेचा जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम और भी लोगों से जानेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाएंगे। आपको जानकारी है आज भारत बंद होने की अपील की गई है? हाँ जी पता है। आपके क्या विचार है भारत बंद? यही कि जो किसान जो बिल है ये वापस ले सरकार को, ये जो बिल पास किया सरकार ने इसको वापस ले सरकार। जो लोग बाग रोड पे हैं आज वो किस लिए हैं? उसी लिए परेशान है, इसलिए तो हैं वो रोड पर। अच्छा, आपको क्या खामियां दिखते हैं इस बिल में? सारी खामियां हैं इसमें, जो किसान को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सभी, ये जो उनको उद्योगपतियों को अंबानी अडानी को जो प्रॉफिट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ख़त्म करें। अच्छा, क्या लगता है कि किसान ने जो ये एक दिन की अपील करी है भारत बंद की, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव पड़ेगा ही, शक्ति प्रदर्शन है ये, किसान दिखाना चाहते हैं कि वो कितना दम है उनके अंदर, कितना दम है लोगों के अंदर, कितने लोग परेशान हैं इस चीज़ से, वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो आप 11 बजे से 3 बजे का उन्होंने टाइमिंग दी है कि तब तक भारत बंद रहेगा, आप ये दुकान बंद कर देंगे? हाँ, बंद कर देंगे, 11 बजे तक का अनाउंसमेंट हुआ है, हमें पता है 11 बजे तक का अनाउंसमेंट है, हम उसके बाद बंद कर देंगे। तो क्या मत है कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है भारत बंद का, इससे कोई प्रभाव पड़ता है किसानों के बारे में? अगर ये तो सरकार के ऊपर फैसला है या किसान भाइयों पर फैसला है, हम फंस रहे हैं इनके चक्कर में, हम परेशान हैं, आते हैं बंद है, अब बताओ दुकान लगे नहीं लगे। अच्छा, मात्र सिर्फ समय जो है वो 4 घंटे का है भारत बंद का, तो इससे प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को? प्रभाव तो पड़ेगा ही, जो जल्दबाजी जल्दी वाले हैं, जिनके घर में शादी है, ये तो सीजन चल रहा है ना, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लेडीज आएंगी, जेंट्स भी घूम रहे कपड़े वपड़े लेने के लिए, पर कोई नहीं, कुछ तो होगा ही समाधान, 4 घंटे से क्या होगा, कुछ तो होगा ही। तरीका सही नहीं है, लेकिन नहीं तरीका जो उनकी मांगे वो तो सही है, लेकिन जो बात है कि भाई वो परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, वो गलत है। अगर किसी को परेशानी होती है तो ट्रैफिक रुकता है या किसी का आने जाने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत है। वैसे तो अगर किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए तो सही है, अगर अपनी जायज़ पर मांगो है तो उनकी।
तो आज जो भारत बंद का ऐलान है वो कितना सफल हो पाएगा, क्या लगता है आपको? हम तो उनके साथ खड़े हुए हैं और बाकी लोग तो खड़े रहे हैं। हाँ, हम खड़े हैं उनके साथ। हम उनके साथ में, हम उनके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं। हाँ जी, और दुकानें भी बंद हैं, सारा कुछ है इधर बंद। और जो ना माने, जो पटरी लगती है वो सब नहीं, अब जो नहीं मान रहा है तो जी उसके बारे में हम तो क्या कह सकते हैं, हम तो अपना ही कर सकते हैं जी, जो हमसे हो सकता है हम सहयोग पूरा कर रहे हैं उनके लिए। हाँ जी, पूरा सहयोग। ये गलत है, सही है, सही है, सही है, सही है, एकदम ओके। किसान पैदा नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से, पैसा खाओगे? सही बात, बिल्कुल ओके। ये भी तो बताओ, अनाज पैदा करेगा जब ही तो हम खाएंगे, जब ही हमको मिलेगा, और जब वो ही नहीं पैदा करेंगे तो खाएंगे क्या? और सरकार, क्या लगता है कि ये जो एक दिन का निर्णय लिया उन्होंने भारत बंद करने का, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, जब सब कुछ बंद हो जाएगा सारा कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? दुनिया का आना जाना, पब्लिक का दिक्कत विक्कत, वो सरकार को देखना है ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब होना चाहिए तो ढंग से होना चाहिए, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन तो ये नॉर्मली इंसान व्रत रख के या रोजा रख के कुछ भी करके अपना गुजार लेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर कंटिन्यू दो तीन दिन चले जब भी तो उन बेचारों की कोई सुनेगा, वो ठंड में पड़े हैं ऐसी, अपना घर बार छोड़ के, वो भी तो किसी बात के ऊपर पड़े हुए हैं। अच्छा, आगे कुछ लोगों का कहना था कि हम जो ये एक दिन का भारत बंद कराया जा रहा है वो मजबूर है दुकानें खोलने के लिए क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं है। दरअसल बात तो हकीकत ही यही है, अभी नॉर्मली 7 डे बंद रही यहाँ की मार्केट, पटरी, कुछ फर्क नहीं पड़ा किसी को, क्या गरीब आदमी जाएगा कहाँ आखिर, ये पूछना चाहिए। ये दिक्कत है, उनकी जो डिमांड है वो पूरी करो या सुनो। जब देश का किसान ही मरेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? मेन चीज तो ये है, देश के किसान अगर जिंदा रहेंगे ना तभी ये पूरी दुनिया जिंदा है, ठीक है। किसान भाई बेचारे कोई गलत अपनी मांग वो नहीं मांग रहे हैं, नाजायज नहीं है, उनके लिए जायज है। ये बात सरकार को सोचनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी सरकार बिल्कुल इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही, अपनी राजनीति पर ध्यान दे रही है। अब यूपी के अंदर चुनाव हुए कि पब्लिक को मोदी जी ने कहा कि कोरोना है, अरे एक मिनट, जब चुनाव के लिए चुनाव हुए जब कोरोना कहाँ चला गया? मैं एक सवाल का जवाब पूछ सकता हूँ? जब इनका अपना काम होता राजनीति का, जब कोरोना बीमारी सब खत्म हो जाती है, पब्लिक के लिए कोरोना बीमारी सब कुछ लागू है, गरीब आदमी ये परेशान कर रही है सरकार, और ये पटरी बहुत नाजायज पब्लिक को परेशान कर रही है सरकार। बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो किए है बहुत अच्छा किए है। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, इसके कितने समर्थन में? समर्थन में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो भारत सरकार ने निकाला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के किसानों के हित में ही है, लेकिन ये विपक्ष वाले पार्टी जो है ये अपने आप कुछ भी मनमानी करवा रहे हैं और कोई बात नहीं है इसमें। तो आज जो भारत बंद है 11 से 3 बजे तक, उसमें कितनी भूमिका निभाएंगे आप? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमें पता है कि ये कानून जो लागू हुआ है ये किसानों के हित में है, हम इसके जो है खिलाफ हैं, हम किसानों के साथ नहीं है इस मुद्दे में। तो आप गाड़ियाँ चलाएंगे मतलब? हाँ, चलाएंगे। नहीं, भारत बंद तो होना चाहिए, किसानों का तो हालत खराब, हम खुद ही खेती छोड़ के आ गए दिल्ली में, खेती करना करने से अच्छा मजदूरी कर लो सबसे अच्छा है। जो हर साल जो गेहूं का रेट है, जिस तरह से सरकारी नौकरी में या अन्य काम में जितना फायदा लोगों को हो रहा है, किसानों को उतना फायदा हो रहा है, उस हिसाब से आज के डेट में कम से कम 50 रुपये किलो जो है आटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ मजदूर को लेकर जो है असमंजस होता है कि यदि 50 रुपये किलो आटा हो जाएगा तो मजदूर फिर भूखा मरने लगेगा, है कि नहीं? सबको मिला के चलना चाहिए ना, चावल का रेट 100 रुपये होना चाहिए तब जाकर किसानों को कुछ मिलेगा, नहीं तो किसानों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि आपने देखा कि भारत बंद के ऐलान में कुछ लोग समर्थन में हैं कि अगर सभी लोग मिलकर दुकानें बंद करते हैं या फिर गाड़ियां बंद करते हैं तो हम भी किसानों का पूरा साथ देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, जो विपक्षी नेता है उनके द्वारा उन्हें भड़काया जा रहा है, किसान मासूम होते हैं, उन्हें अपने झांसे में आसानी से ले लिया जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हमने आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि भारत बंद का कितना समर्थन यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ उसी तरीके से चल रही हैं, बसें उसी तरीके से चल रही हैं, ई रिक्शा, ऑटो, हर चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं, यहाँ तक कि बाजार में जो भीड़ है वो भी वैसी ही देखी जा रही है जैसे कि आम दिनों में होती है। तो आप कमेंट में लिख के बताएं कि आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी और साथ में आप भारत बंद पे आपके क्या विचार हैं। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।